सूरत में बजरंग सेना द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम रखा गया। मुख्य मेहमान वी एन एस जयू, हिंदू स्टडी प्रोफेसर बालाजी, राजे एवं बजरंग सेना मार्गदर्शक संतोष कुमार शाह और बजरंग सेना मार्गदर्शक गुरुजी भगवान झा उपस्थित रहे। साथ ही बजरंग सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम बजरंग सेना के सूरत कार्यालय स्थल पर आयोजित किया गया था। नमस्कार, बालाजी राजे, हिंदू अध्ययन प्रतिष्ठान सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में संयोजक हूँ। यहाँ पर घोड़ादरा में बजरंग सेना द्वारा आयोजित शस्त्र पूजा कार्यक्रम में आने का मुझे लाभ मिला। यहाँ पर बजरंग सेना के उत्साही धर्म प्रेमी हिंदू समाज के, हिंदू राष्ट्र के युवा एकत्रित हुए थे और हिंदू समाज वर्षों वर्ष से, युगो युग से शस्त्र पूजा करता है ताकि इस समाज का ये बोध बना रहे कि शस्त्र पूजा अर्थात शस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का अध्ययन हो सकता है, शास्त्र सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये समाज किसी दिग्भ्रम में न आए कि बिना शस्त्रों के भी हम जी लेंगे या दुर्बल होकर भी हम रह लेंगे, तो ये भ्रम हमारे समाज के मन में से निकले। इस कारण प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में शस्त्र पूजा होती है, जिससे हिंदू समाज का पौरुष, हिंदू समाज का पराक्रम की वृत्ति का उसे सतत स्मरण हो सके और मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपना वो देवदत्त दायित्व पूर्ण करने के लिए अग्रसर हो सके। इसलिए आयोजन हुआ था, यहाँ के मुझे बहुत आनंद हुआ। कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है कि हमें बहुत कुछ आभास कराता है, लेकिन हम स्वस्थ भोजन के कार्यक्रम में भाग लेकर ससुर घर जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कहाँ गए थे, किस हेतु गए थे, क्यों ये पूजन कराया गया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हिंसा करने की शक्ति कोई रखता है तो वो हिंदू समाज रखता है, और इसमें कुछ भी छुपाने जैसा या शर्म करने जैसा नहीं है। हमारे सारे देवी देवता, हमारे सारे ईश्वर सभी शस्त्रधारी है। हमारे सारे ऋषि मुनि वन में जाकर, हिमालय में जाकर तप करते थे, लेकिन साथ में त्रिशूल भी रखते थे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु रामचंद्र ने कर दी जड़, गए तीन दिन बीत, आगे क्या है, बोले राम सकोप तब भय भिन्न होई प्रेत। हम ये भूल गए और हमने तालियां बजाना चालू कर दिया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। इस देश को और विशेष स्नेह पात्र संतोष जी, और अभी मुझे सुनने को मिला विनय राजे जी, आप सबको, आप दोनों को विशेष मंगल कामना देते हुए कि आपने बजरंग सेना के हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को एक विशेष राह दिखाते हुए यह कहा कि समाज में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ बजरंग सेना के और विशेष वरिष्ठ अधिकारीगण हैं और कार्यकर्तागण हैं, आप सबको आज विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, पति महा। हमने कैसे बनाया था उसके बारे में, लेकिन बजरंग सेना के परिणाम को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज लोगों ने अपने क्षेत्र में इतने सजग रहे कि कोई अगर रावण सर जय जय श्री राम, जय जय माता की, जय भारत माता की।